स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में नक्सली हमले के दौरान 22 जवान शहीद हुए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब नक्सलवादियों की खैर नहीं। अमित शाह ने कहा है कि नक्सलियों को उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। पतझड़ में वीरान हुए छत्तीसगढ़ के जंगल रात के साए में सुलगते से लगे। यहां चारों ओर मौत का दहशत भरा मंजर था। हथियारबंद नक्सली जंगल में चौकसी कर रहे थे। यहां चारों ओर शहीद जवानों के शव बिखरे हुए थे। किसी की वर्दी गायब थी तो किसी के जूते। बर्बरता की हद तो ये थी कि कुछ जवानों के शरीर के अंग तक गायब थे। जिन जवानों को लापता बताया जा रहा था वो अपनी माटी के लिए शहीद हो चुके थे। सुरक्षा बलों ने रविवार को जंगल से 17 जवानों के गोलियों से छलनी शव बरामद किए, जबकि 5 जवानों के शव शनिवार शाम ही मिल गए थे। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 32 जवान घायल हुए, वहीं 15 से ज्यादा नक्सली भी मारे गए। सभी शहीद जवानों के शव बीजापुर भेजे गए हैं, जहां आज उन्हें आखिरी सलामी दी जाएगी। नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने के बाद गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्यवाही की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि अब नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई खेलने की रणनीति पर काम हो रहा है। इस नए ऑपरेशन का उद्देश्य घने जंगलों के बीच नक्सलियों के ठिकाने को बर्बाद कर उनके संगठन को पूरी तरह खत्म करने का होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। असम में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को बीच में छोड़कर लौट रहे अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अधिक मजबूती से लड़ी जाएगी। नक्सली हमले में जवानों की शहादत की सूचना मिलते ही अमित शाह ने तत्काल छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में केंद्र सरकार की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को तत्काल छत्तीसगढ़ जाकर हालात का जायजा लेने को कहा है। दिल्ली से लौटने के बाद अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार के साथ सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार बैठक में ताज़ा हालात के साथ साथ नक्सलियों के खिलाफ आगे के ऑपरेशन की रणनीति पर भी चर्चा की गई। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का संकेत अमित शाह ने यह कहकर दिया है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवारजनों और देश को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जवानों ने देश के लिए अपना खून बहाया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसे हम अंतिम परिणाम तक लेकर जाएंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर श्री गिरगांव नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का इलाका है। इस बटालियन में कमांडर मांडवी हिडमा की तलाश में शुक्रवार रात एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवान अलग अलग टुकड़ों में निकले। नक्सलियों ने वापसी के दौरान तीनों जगह घात लगाकर हमला किया। इन्हीं तीन जगहों पर जवानों के शव मिले हैं। 250 नक्सलियों ने एक ओर से पहाड़ी व दूसरी ओर गांव में पोजीशन ले ली थी, जिसकी वजह से जवान खुले मैदान और खेत में फंस गए। हिडमा की बटालियन पहाड़ से जवानों पर फायरिंग कर रही थी, इसके बावजूद जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 400 से ज्यादा नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को तीन तरफ से घेर कर मशीन गन से गोलियां बरसाई। सुरक्षा कर्मी को रोकने के लिए देसी रॉकेट लॉन्चर, LMG और IED विस्फोटक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा नक्सली सुरक्षा कर्मी के 2 दर्जन से ज्यादा आधुनिक हथियार भी लूट कर ले गए। जिस तरह से गृह मंत्री ने सख्त तेवर दिखाए हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि जवानों को शहीद करने वाले नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर मारा जाए और शहादत का बदला लिया जाए।
शहीदों की शहादत को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।